Assalamu alaikum, this is Sayyid Ahmad Gilani. In today's video, we are going to talk about unit number 2 from second year English book, Jinnah's Vision of Pakistan. इस चैप्टर में हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो विजन है, जो ख्याल है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. उनका ख्याल पाकिस्तान के बारे में क्या था, और स्पेशली 11 अगस्त 1947 को उन्होंने एक स्पीच डिलीवर की थी, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीच इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान. और दस्तूर साज असम्बली जो थी, कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली, पहली दस्तूर साज असम्बली पाकिस्तान की, जिसने कानून बनाना था, जिसने दस्तूर सॉरी आइन बनाना था, तो वो उस असम्बली के में जब वो गए और उस असम्बली का उन्होंने जब असम्बली के सामने खिताब किया, तो वो उन्होंने खिताब बहैसियत सदर किया था. ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली. और वो जो खिताब था, वो जो स्पीच थी, उसका कम्प्लीट स्क्रिप्ट आपका यूनिट नंबर 2 है. तो यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं. पेज नंबर 18 पे आप लोग आ जाएं. जिन्नाज़ विजन ऑफ पाकिस्तान, मोहम्मद अली जिन्नाज प्रेसिडेंशियल एड्रेस. प्रेसिडेंशियल एड्रेस मतलब सदर की हैसियत से उन्होंने जो खिताब किया था. इट वाज मतलब 11 अगस्त को उन्होंने किया था. तो ऑन अगस्त 11 1947, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना डिलीवर्ड हिज फेमस स्पीच बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ न्यूली डेवलप्ड स्टेट ऑफ पाकिस्तान. तो 14 अगस्त 1947 को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नई तख्लीक शुदा रियासत पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली के सामने मशहूर खिताब किया. कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली, दस्तूर साज असम्बली. इन हिज एड्रेस, अपने इस खिताब में, ही गेव वेंट टू हिज विजन ऑफ पाकिस्तान. अपने इस खिताब में आपने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लाए अमल के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया. ही ड्वेल्ट ऑन द प्राइमरी फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. प्राइमरी फंक्शंस जो मकासद थे, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और जो जिम्मेदारियां थी, ऑफ द वर्जन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो नई दस्तूर साज असेंबली थी, उसके जो मकासद थे और जो जिम्मेदारियां थी, उनकी वजाहत की. वॉर्न्ड अगेंस्ट सर्टेन इवल्स दैट माइट बी फॉल द न्यू कंट्री एंड स्पोक इन डिफेंस ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया. हिज स्पीच इज एज फॉलो. और उन्होंने क्या किया इसके साथ, उन्होंने चंद खतरात के बारे में आगाह किया, खबरदार किया, जो इस नौजायदा मुल्क को नुकसान पहुंचा सकते थे, और हिंदुस्तान की तकसीम के हक में दलाइल दिए. और उनकी तकरीर मंदरजा ज़ेल है. मिस्टर प्रेसिडेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन, जनाब सदर, खवातीन और हजरात, आई कॉर्डियली थैंक यू. कॉर्डियली का मतलब है दिल की गहराई से या दिल से. आई कॉर्डियली थैंक यू विद द अटमोस्ट सिंसेरिटी फॉर द ऑनर यू हैव कॉन्फर्ड अपॉन मी. The greatest honor that is possible to confer by electing me as your first president. आप लोगों ने जो मुझे इज्जत दी, सबसे बड़ी इज्जत कि मुझे अपना पहला सदर मुंतखब किया, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से और पूरे खलूस के साथ आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ. I also thank those leaders who have spoken in appreciation of my services and their personal references to me. मैं उन रहनुमाओं का भी मशकूर हूँ या शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने ज़ाती तौर पर मेरा हवाला दे के मेरी खिदमात को सराहा. I sincerely hope that with your support and cooperation, we shall make this Constituent Assembly an example to this world, an example to the world. मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी हिमायत और तावन से हम इस दस्तूर साज असम्बली को दुनिया के लिए एक मिसाल बना देंगे. अब आखिर में ये कहते हैं कि this Constituent Assembly has got two main functions to perform. इस दस्तूर साज असम्बली के ने दो अहम काम सर अंजाम देने हैं. फर्स्ट यहां से शुरू हो रहा है. द फर्स्ट इज द वेरी ऑनरस एंड रिस्पॉन्सिबल टास्क ऑफ फ्रेमिंग द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. पहला काम पाकिस्तान की मुस्तकबिल की आइन साजी का मुश्किल और जिम्मेदारी का हामिल काम है. सेकेंड, ऑफ फंक्शनिंग एज अ फुल एंड कम्प्लीट सवरन बॉडी एज द फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान. और दूसरा काम क्या है कि इसे पाकिस्तान की एक मुकम्मल और मजबूत सेवरन, कंप्लीट सेवरन, मजबूत और बाख्तियार कानून साज इदारे के तौर पर फराइज अंजाम देने हैं. वी हैव टू डू द बेस्ट वी कैन इन अडॉप्टिंग अ प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन. प्रोविजनल मतलब उबूरी, जो कि फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग हो, फॉर द फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान. हमें पाकिस्तान की वफाकी कानून साज असम्बली के लिए एक उबूरी आइन की तश्कील के लिए ऐसे तरीके से काम करना है या अच्छे तरीके से काम करना है. You know really that not only we ourselves we are wondering, but I think the whole world is wondering at this unprecedented, कहते हैं बेनजीर, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, cyclonic revolution
और रेवोल्यूशन कहते हैं इनकलाब को। साइक्लोनिक रेवोल्यूशन क्या होगा? एक बहुत बड़ा इनकलाब, साइक्लोनिक एक तूफानी इनकलाब। आप जानते हैं कि दर हकीकत ना सिर्फ हम बल्कि पूरी दुनिया इस बेनजीर और तूफानी इनकलाब पर हैरान है, वॉन्डरिंग, विच हैज ब्रॉट अबाउट द प्लान ऑफ क्रिएटिंग एंड एस्टेब्लिशिंग द इंडिपेंडेंट सॉवरेन डोमिनियंस इन द सब कॉन्टिनेंट। उस पे हैरान है कि कैसे जिसने बरसगीर में दो आजाद और खुद मुख्तार रियासतों की तख्लीक और कयाम के मनसूबे को मुमकिन बनाया। एज इट इज इट हैज बिन As it has been unprecedented. There is no parallel in the history of the world. जैसा कि ये है, एक बेनजीर और बेमिसाल, इसकी दुनिया में और कोई मिसाल नहीं मिलती है, मतलब दुनिया की तारीख में इसकी मिसाल मौजूद नहीं है। This mighty subcontinent, ये एक ताकतवर बरसगीर, ये ताकतवर बरसगीर, with all kinds of inhabitants, which has brought under a plan, which is titanic, unknown. Unparalleled. Titanic कहते हैं बहुत अजीम, बहुत बड़ा, बहुत अजीम। अच्छा, ये ताकतवर बरज़ग़ीर अपने तमाम किस्म के बाशिंदगान समेत एक ऐसे मंसूबे के तहत लाया गया है जो कि इंतहाई अजीम, अजीब और बेमिसाल है। और एंड व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिगार्ड्स टू इट इज दैट वी हैव अचीव्ड इट पीसफुली एंड बाय मीन्स ऑफ एन एवोल्यूशन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल कैरेक्टर। और इससे मुतालिक अहम तरीन बात यह है कि हमने इसे पुरमन तरीके से और अजीम किरदार के साथ हासिल किया है। डीलिंग विद आवर फर्स्ट फंक्शन इन दिस असेंबली, आई कैन नॉट मेक एनी वेल कंसिडर्ड प्रोनाउंसमेंट एट दिस मोमेंट, बट आई शैल से अ फ्यू थिंग्स एज दे अकर टू मी। मैं इस मौके पर इस असेंबली की पहली जिम्मेदारी से मुतालिक कुछ काबिल गौर गुफ्तगू तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं चंद बातें जरूर अर्ज करूंगा जो मेरे जहन में आती हैं। द फर्स्ट The first and foremost thing I would like to emphasize is this. Remember that you are now a sovereign legislative body and you have got all the powers. Pehli baat aur ahem baat jis cheez par main zor deta hu wo ye hai ki yaad rakhein ab aap ek khud mukhtar kanoon saaz idara hain aur aapko ikhtiyarat hasil hain. It therefore places on you the gravest responsibilities. Gravest kehte hain sabse badi aur sanjeeda as to how you should take your decisions. अब इसलिए आप पर एक बहुत बड़ी और संजीदा जिम्मेदारी है कि आपको किस तरह अपने फैसले करने हैं। द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट आई वुड लाइक टू मेक इज दिस, यू विल नो डाउट एग्री विद मी दैट। मेरी सबसे पहली ऑब्जर्वेशन, मतलब मेरा सबसे पहला ख्याल और ये है, और बेशक आप लोग इससे इत्तेफाक भी करेंगे, द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ अ गवर्नमेंट इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर सो दैट द लाइफ प्रॉपर्टी एंड रिलीजियस बिलीव्स ऑफ इट्स सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट कहते हैं रियाया को, आर फुली प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट। अब क्या है कि हुकूमत की पहली जिम्मेदारी ये है कि अमन व अमान कायम रखे ताकि रियासत अपनी रियाया की जान, माल और मजहबी अकायद की मुकम्मल तौर पर हिफाजत कर सके। द सेकेंड थिंग दैट अकर्स टू मी इज दिस, सेकेंड थिंग, वन ऑफ द बिगेस्ट कर्सेस, कर्स कहते हैं लानत को, वन ऑफ द बिगेस्ट कर्सेस फ्रॉम विच इंडिया इज सफरिंग, आई डू नॉट से दैट अदर कंट्रीज आर फ्री फ्रॉम इट बट आई थिंक आवर कंडीशन इज मच वर्स, इज ब्राइबरी एंड करप्शन। ब्राइबरी कहते हैं रिश्वत को, करप्शन कहते हैं बदउनवानी को, बदउनवानी। दूसरी चीज जो मेरे जहन में आती है और वो ये है कि सबसे बड़ी लानत जिसमें हिंदुस्तान गिरफ्तार है या जिससे हिंदुस्तान गुजर रहा है, मैं ये नहीं कहता कि दूसरे ममालिक इससे पाक हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हमारी हालत उनसे बदतर है और वो है रिश्वत और बदउनवानी। दैट रियली इज अ पॉइजन, वो दर हकीकत एक जहर है। वी मस्ट पुट दैट डाउन विद एन आयरन हैंड, हमें सख्त हाथों के साथ इसका खात्मा करना चाहिए। एंड आई होप दैट यू विल टेक एडिक्वेट मेजर एज सून एज इट इज पॉसिबल फॉर दिस असेंबली टू डू सो। और हमें आहनी हाथों से, मतलब सख्त हाथों से निमटना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जल्द अज जल्द जहां तक इस असेंबली के लिए मुमकिन है काफी इकदाम उठाएंगे या करेंगे। द नेक्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक्स मी इज दिस, दूसरी चीज जो मुझे परेशान करती है वो ये है, हेयर अगेन इट इज अ लेगेसी। लेगेसी कहते हैं विरासत को या कोई मोरूसी चीज होती है। इट इज अ लेगेसी विच हैज विच बीन पास्ड ऑन अस। एक दूसरी चीज जो मुझे परेशान करती है वो ये है, और वो हमें विरसे में मिली है, अलॉन्ग विद मेनी अदर थिंग्स गुड एंड बैड हैज अराइव्ड ग्रेट इविल, द इविल ऑफ नेपोटिज्म एंड जॉबरी। नेपोटिज्म कहते हैं अकरबा परवरी, मतलब अपने रिश्तेदारों को, अपने करीब के लोगों को आगे करना, जैसे सरकारी मुलाजमतों में होता है। आप देखते हैं कि जो अपने अपने जो करीब के लोग होते हैं अगर उनको मौका दिया जाए और जो मेरिट के बंदे हैं उनको ना दिया जाए, तो ये नेपोटिज्म है। और जॉबरी कहते हैं इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करना। और वो दूसरी बहुत सी चीजें, अच्छी और बुरी चीजों के साथ ये बुराई हम तक पहुंची है, और वो है अकरबा परवरी और नाजायज इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करना।
I want to make it quite clear that I shall never tolerate any kind of jobbery, nepotism or any influence directly or indirectly brought to bear upon me. मैं इस चीज को या इस बात को वाजे करना चाहूंगा कि मैं किसी किस्म की रिश्वत अकरबा परवरी या किसी किस्म का बिला वास्ता या बिल वास्ता असर बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये कायदे आजम के वर्ड्स हैं। Whenever I will find that such a practice is in vogue, वो कहते हैं ट्रेंड या अमल में होना या फैशन किसी चीज का और इज कंटिन्यूइंग एनीवेयर लो और हाई, आई शैल सर्टेनली नॉट countenance it. अगर मुझे मालूम हुआ कि कहीं पर कोई ऐसा काम हो रहा है छोटे या बड़े लेवल पर या छोटी या बड़ी सतह पर, तो मैं इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। आई नो देर आर पीपल हु डू नॉट क्वाइट एग्री विद द डिविजन ऑफ इंडिया एंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड पंजाब एंड बंगाल। मुझे मालूम है कि ऐसे लोग भी हैं जो हिंदुस्तान, पंजाब और बंगाल की तकसीम से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करते। मच हैज बीन सेड अगेंस्ट इट, बहुत से तो इसके खिलाफ भी बोला है, बट नाउ दैट इट हैज बीन एक्सेप्टेड, लेकिन क्योंकि अब इसको तस्लीम किया गया है, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी वन ऑफ अस टू लॉयली अबाइड ऑनरेबली एक्ट अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट विच इज नाउ फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन अस। अब हम सब पर फर्ज है कि पूरी वफादारी के साथ इस पर कायम रहें और इस मुआहदे का एहतराम करें जो कि आखिरी है और हम सब पर लागू होता है। बट यू मस्ट रिमेम्बर, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए, एज आई हैव सेड, जैसे कि मैं कह चुका हूँ, दैट दिस माइटी रेवोल्यूशन, कि ये ताकतवर जो इनकलाब है, माइटी रेवोल्यूशन की ये ताकतवर इनकलाब दैट हैज टेकन प्लेस, जो कि वजूद में आया है, इज अनप्रेसिडेंटेड, ये एक बेमिसाल चीज है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। वन कैन क्वाइट अंडरस्टैंड द फीलिंग दैट एग्जिस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज व्हेन एवर वन कम्युनिटी इज इन मेजोरिटी और अदर इज इन माइनॉरिटी। कोई भी उन दो तबकात के दरमियान मौजूद एहसासात को समझ सकता है जबकि एक तबका अक्सरियत और दूसरा तबका अकलियत में हो। But the question is, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, whether it was possible or practicable to act otherwise than what has been done, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो कुछ कहा गया है क्या उसके बरक्स करना कुछ मुमकिन या काबिल अमल था, मतलब अगर डिविजन ना होती तो क्या कोई और हल था हमारे पास। A division has to take place, हिंदुस्तान तकसीम का होना तय है, on both sides, दोनों अतराफ में, in हिंदुस्तान and पाकिस्तान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, there are sections of people, लोगों के कुछ तबकात मौजूद हैं, who may not agree with it, जो इससे राजी नहीं होते या जो इससे इत्तेफाक नहीं करते, जो इससे मुत्तफिक नहीं है, who may not like it, जो इसे पसंद नहीं करते, but in my judgment, लेकिन मेरे फैसले में, मेरी सोच में, there was no other solution, कोई दूसरा हल नहीं था, and I am sure, और मुझे उम्मीद है, the future history will record its verdict in favor of it, verdict कहते हैं फैसले को, और मुझे यकीन है कि मुस्तकबिल की तारीख इसके हक में अपना फैसला सुनाएगी, फेवर कहते हैं हक में, and what is more, it will be proved by actual experience as we go on that it was the only solution of India's constitutional problem. और मजीद ये कि जो ही हम आगे बढ़ेंगे, अमली तजर्बे से ये साबित होगा कि हिंदुस्तान के आईनी मसले का वाहिल हल यही था। And any idea of a united India could never have worked. And in my judgment, it would have led us to terrific disaster. Terrific disaster कहते हैं खौफनाक तबाही, बड़ी तबाही। और इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं था, मेरे ख्याल में ऐसा नजरिया ये हमें खौफनाक तबाही की तरफ लेकर जाता। मे बी दैट व्यू इज करेक्ट, मे बी इट इज नॉट, दैट रिमेन्स टू बी सीन, शायद वो नजरिया ठीक है, शायद वो नजरिया दुरुस्त नहीं है, ये देखना अभी बाकी है। ऑल द सेम इन दिस डिविजन, इफ इट वॉज इम्पॉसिबल टू अवॉइड द क्वेश्चन ऑफ माइनॉरिटीज बींग इन वन डोमिनियन और द अदर, बिल्कुल इसी तरह इस तकसीम में अकलियत के सवाल से एतराज करना नामुमकिन था जो कि एक रियासत या दूसरे रियासत में आबाद थे। नाउ व्हाट शिल वी डू, अब हम क्या करेंगे। नाउ इफ यू वांट टू मेक दिस ग्रेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान हैप्पी एंड प्रॉस्परस, हैप्पी खुश एंड प्रॉस्परस कहते हैं खुशहाल, वी शुड होली एंड सोली कंसेंट्रेट ऑन द वेल बींग ऑफ द पीपल एंड स्पेशली ऑफ द मासेस, मासेस कहते हैं आम आवाम को, एंड द पुअर मतलब गरीब। अगर अब हमने क्या करना है, अब हमें अगर पाकिस्तान की इस अजीम रियासत को खुश और खुशहाल बनाना है तो हमें पूरी तरह और मुकम्मल तौर पर इसकी आवाम और बिलखसूस आम लोगों और गरीबों की मदद पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए या तवज्जो देनी चाहिए। इफ यू विल वर्क इन कोऑपरेशन एंड फॉर गेटिंग द पास्ट, बैरिंग द हैचेट, बैरिंग द हैचेट का मतलब है पुराने इख्तलाफात को खत्म करना, यू आर बाउंड टू सक्सीड। अगर आप एक दूसरे के साथ तावन करते हैं और एक दूसरे और माजी को भुलाकर बाहमी इख्तलाफात को खत्म करते हैं तो यकीनन आप कामयाब होंगे, यू विल सक्सीड। इफ यू चेंज योर पास्ट एंड वर्क टुगेदर इन अ स्पिरिट दैट एवरीवन ऑफ यू, नो मैटर टू व्हाट कम्युनिटी ही बिलोंग्स, नो मैटर व्हाट रिलेशन ही हैड विद यू इन द पास्ट, नो मैटर व्हाट इज हिज कलर, कास्ट और क्रीड, इज फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट
citizen of the state with equal rights, privileges and obligations, there will be no end to the progress you will make. अगर आप माजी भुलाकर और बाहमी इख्तलाफात खत्म करके तावन के साथ कायम करेंगे काम करेंगे तो आप कामयाब होंगे और खलूज के साथ काम करेंगे कता नजर इस बात से कि आप में से कौन किस तबके से ताल्लुक रखता है, माजी में उसके साथ आपका क्या रवैया रहा है, कैसा ताल्लुक रहा है, उसका रंग और अकीदा क्या है और इस रियासत के बराबर हकूक मरात और फराइज का हामिल शहरी है, तो इस सूरत में आप जो भी तरक्की करेंगे उसकी कोई इंतहा नहीं होगी। आई कैनॉट एम्फेसाइज का मतलब जोर देना। आई कैनॉट एम्फेसाइज इट टू मच। वी शुड, मैं इस बात पर ज्यादा जोर नहीं दे सकता। वी शुड बिगिन टू वर्क इन दैट स्पिरिट एंड इन द कोर्स ऑफ टाइम ऑल द एंगुलैरिटीज ऑफ द मेजोरिटी एंड द माइनॉरिटी कम्युनिटीज, द हिंदू कम्युनिटी एंड द मुस्लिम कम्युनिटी, बिकॉज इवन एज रिगार्ड्स मुस्लिम यू हैव पठान, पंजाबी, शिया, सुन्नी एंड सो ऑन, एंड अमंग द हिंदूज यू हैव ब्राह्मण्स, वैष्णवस, खत्रीज एंड बंगालीज, मद्रासीज एंड सो ऑन, विल वैनिश। वैनिश का मतलब है खत्म हो जाना। मतलब ये है कि वक्त गुजरने के साथ साथ अक्सरियती और अकलियती तबके के इख्तलाफात और इम्तियाजात यानी हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफात, और जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक है तो उनमें पठान, पंजाबी, शिया, सुन्नी वगैरह तबकात, और हिंदुओं के दरमियान ब्राह्मण, वेश, खश्तरी, बंगाली और मद्रासी जैसे तबकात मौजूद हैं, ये तमाम इख्तलाफात और जात पात खत्म हो जाएगा। इंडीड इफ यू आस्क मी दिस हैज बीन द बिगेस्ट हिंड्रेंस कहते हैं सबसे बड़ी रुकावट को। दर हकीकत अगर आप मुझसे पूछेंगे तो दिस हैज बीन द बिगेस्ट हिंड्रेंस इन द वे ऑफ इंडिया टू अटेन फ्रीडम। अटेन कहते हैं हासिल करने को, फ्रीडम कहते हैं आजादी, इंडिपेंडेंस भी कहते हैं आजादी को। वी वुड हैव बीन अ फ्री पीपल लॉन्ग अगो। दर हकीकत अगर आप मुझसे पूछें हिंदुस्तान की आजादी की राह में सबसे बड़ी रुकावट रही है, वरना हम बहुत पहले ही आजाद हो चुके होते। नो पावर कैन होल्ड अनदर नेशन, स्पेशली अ नेशन ऑफ 400 मिलियन सोल्स इन सब्जेक्शन। नोबडी कुड हैव कॉन्क्वर्ड यू, एनी वन इफ हैड हैपेंड नोबडी कुड हैव कंटिन्यूड इट्स होल्ड ऑन यू फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम बट फॉर दिस। अब कोई भी ताकत किसी दूसरी कौम को गुलाम नहीं बना सकती, और खास तौर पर 400 मिलियन मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं इंसानों को कोई भी आपको फतह नहीं कर सकता, और अगर ऐसा होता तो कोई भी इतनी देर तक जेर तसलत नहीं रख सकता था, मगर सिर्फ इसी वजह से उन्होंने रखा है। Therefore we must learn a lesson from this. इसलिए हमें चाहिए कि हम इससे सबक हासिल करें। अब यहाँ से जो इनकी तकरीर का जो क्रक्स है ना वो यहाँ से शुरू होता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, आप आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए। यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, आप अपने मस्जिद में जाने के लिए आजाद हैं। और टू एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप, और किसी भी दूसरी इबादतगाह में जाने के लिए आजाद हैं इन दिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान, इस रियासत पाकिस्तान में। यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन और कैस्ट और क्रीड, दैट हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट। चाहे आपका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, जात से हो, अकीदे से हो, इसका पाकिस्तान की रियासत के साथ कोई काम नहीं है। Now I think we should keep that in front of us and as our ideal, and you will find that in the course of time Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims, not in the religious sense, but that is in the personal faith of each individual, but in the political sense as citizens of the state. अब ये है कि अब मेरे ख्याल में हमें अपने सामने बतौर मिसाल रखना चाहिए इसे, और आप देखेंगे कि वक्त गुजरने के साथ साथ हिंदू हिंदू नहीं रहेंगे और मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे, मजहब के एतबार से नहीं बल्कि फर्द का जाती, ये क्योंकि ये तो फर्द का जाती अकीदा है, बल्कि सियासी एतबार से एक ही रियासत के शहरी होने की हैसियत से। वेल जेंटलमैन, अच्छा जेंटलमैन मतलब अच्छा सामईन या हजरात, आई डू नॉट विश टू टेक अप एनी मोर ऑफ योर टाइम एंड थैंक यू अगेन फॉर द ऑनर यू हैव डन टू मी। अब मैं यहाँ पर आपका मजीद वक्त नहीं लेना चाहता, और मुझे इज्जत देने पर आपका मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। आई शैल ऑलवेज बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले विदाउट एनी, as is put in the political language, prejudice or ill will, in other words partiality or favoritism. mere insaaf aur sachai ke usool hamesha meri rehnumai karenge, kisi zaati anad aur nafrat ke bagair aur kisi janibdari aur akraba parvari ke bagair aur insaaf aur mukammal ghair janibdari. my guiding principle will be justice and complete impartiality, mukammal ghair janibdarana ravaiya और इंसाफ, ये मेरे रहनुमाई असूल रहेंगे। एंड आई एम श्योर दैट विद योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन आई कैन लुक फॉरवर्ड टू पाकिस्तान बिकमिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। और मुझे यकीन है कि आपकी हिमायत और तावन के साथ मैं पाकिस्तान को दुनिया की अजीम तरीन कौमों में से एक कौम बनते हुए देख सकता हूँ या बनते हुए देख रहा हूँ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ट्रांसलेशन ऑफ यूनिट नंबर 2 फ्रॉम सेकेंड ईयर इंग्लिश बुक। आई होप यू हैव गॉट इट। थैंक यू वेरी मच।